Assalamu alaikum and welcome back to another exciting video on Android Studio. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग पिकासो लाइब्रेरी की मदद से रिसाइक्लर व्यू के अंदर इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस द लेटेस्ट एंड्रॉइड ट्यूटोरियल. लेट्स जंप राइट इनटू इट. Open the Android Studio, click on New Project and select Empty Views Activity. Click on Next, rename your application. Rest of the things remain same and here you can change the minimum SDK to Android 5.0 because it supports 99.5% devices, okay? So click on Finish. So while building the project, click on Chrome and search here Picasso Library. Okay, click on the second link and इस पेज को स्क्रॉल करें और यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी जो आपने कॉपी करनी है. ठीक है, बेसिकली इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर पिकासो को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. ठीक है, सो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो गया है. ग्रेडल स्क्रिप्ट्स पर आपने क्लिक करना है, देन बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट kts और यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है. इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी लाइक उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बाइंडिंग को इनेबल कर लेना है. ठीक है, बिल्ड फीचर्स और उसके बाद व्यू बाइंडिंग is equal to true. इसको सिंक पे क्लिक करें एंड सो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने पिकासो को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना था. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम ये है वो आपने मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर जाना है और यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन दे देनी है उसको. ठीक है, यूजर्स परमिशन नेटवर्क स्टेट की पहले दे दें एंड देन यूजर्स परमिशन और इंटरनेट की. ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर एक और टैग लगा देना है विच इज़ ट्रैफिक क्लियर ट्रैफिक. ठीक है, ट्रू, इसको आपने इनेबल कर देना है एंड देन गो बैक टू योर मेन एक्टिविटी डॉट कॉटलिन. अब इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं इस फाइल को बिकॉज वी आर यूजिंग हियर जावा एंड देन रीफैक्टर. यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी लाइक यहाँ पर आपने सेमी कॉलन ऐड करना है, इन ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, इसकी जगह एक्सटेंड्स लिखना है. And here you have to add public. Remove the rest of the code. Enter and write here protected. On create. उसके बाद इसके अंदर binding को enable कर लेते हैं. सबसे पहले आपने activity लिखना है. Then आपके पास आ जाएगा main binding. इसका variable create कर लें. और उसके बाद आपने लिखना है binding is equal to activity. मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर और सेट कॉन्टेंट व्यू के अंदर उसके बाद सेट कॉन्टेंट व्यू के अंदर आपने लिख देना है बाइंडिंग डॉट गेट रूट. ठीक है, इसका रूट लेके आ जाएगा जो भी होगा, लीनियर होगा, कंस्ट्रेंट होगा, etc. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल की फाइल के अंदर आना है. इस टेक्स्ट व्यू को आप रिप्लेस कर दें यहाँ पर रिसाइक्लर व्यू से. ठीक है, और इसकी विड्थ है 0 dp, इसकी हाइट भी होगी 0 dp. उसके बाद यहाँ पर आप इसको आईडी दे दें विच इज रिसाइक्लर व्यू. ठीक है, एंड देन कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दें टॉप टू द टॉप ऑफ पेरेंट बॉटम टू द बॉटम ऑफ पेरेंट एंड देन स्टार्ट पेरेंट एंड टू द एंड ऑफ पेरेंट एंड देन ओके.
उसके बाद आपने एक आइटम बनाना है जो कि रिसाइक्लर व्यू के अंदर हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो रिसाइक्लर व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाने वाला आइटम हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, रेस के अंदर फोल्डर होगा लेआउट का, उसके अंदर आपने जाके लेआउट रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप उसको नाम दे दें। लाइक हम इमेजेस को डिस्प्ले करने जा रहे हैं पिकासो की मदद से, तो मैं इमेज आइटम इसको नाम दे देती हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर करना है इमेज व्यू को सिलेक्ट और यहाँ पर कर दें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप और ये हो गया काम। अब आपने स्प्लिट करना है और यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी है। लाइक आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इस हाइट को यहाँ से रैप कंटेंट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप इसको फिक्स कर दें। लाइक 100 डीपी करना चाह रहे हैं और तो 100 डीपी कर दें, ठीक है। इसकी हाइट विड्थ सेट हो गई, उसके बाद इसको रिमूव कर दें टूल्स नेम स्पेसेस को और यहाँ पर कंस्ट्रेंट सेट कर दें, ठीक है। टॉप टू द टॉप ऑफ, बॉटम टू द बॉटम ऑफ पेरेंट एंड स्टार्ट सही हो गया। उसके बाद आईडी हमारी सेट है एंड देन गुड। अब हमने क्या कहना है, एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल की फाइल में भी सेट हो गया, एक्टिविटी आइटम भी सेट हो गया। इसको ख़त्म कर दें, यहाँ से रिमूव कर। सारी एक्स्ट्रा टैब्स को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एन अडॉप्टर फॉर द रिसाइक्लर व्यू जो के डाटा को डिस्प्ले करवाएगा व्यू होल्डर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने इस पैकेज के ऊपर क्लिक करना है, देन न्यू एंड देन जावा क्लास और यहाँ पर आप लगा दें इमेज और इसको नेम दे दें इमेज अडॉप्टर। ओके, और अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग व्यू होल्डर क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक क्लास इमेज व्यू होल्डर और इसको एक्सटेंड करेंगे रिसाइक्लर व्यू डॉट व्यू होल्डर और उसके बाद ब्रैकेट्स आ गई। अब यहाँ पर आप कर्सर लेके जाएंगे और Alt प्लस Enter पे क्लिक करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का कह रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब जो हम लोगों ने आइटम बनाया है उसको व्यू होल्डर के अंदर क्या करेंगे, बाइंड। तो बाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इमेज आइटम नाम था ना उसका, ठीक है। सो इमेज आइटम बाइंडिंग उसका वेरिएबल बन गया। यहाँ पर व्यू की जगह अब हमने पास कर देना है इमेज आइटम बाइंडिंग एंड देन बाइंडिंग। यहाँ पर आइटम व्यू की जगह हम इसको कह देंगे कि बाइंडिंग डॉट गेट रूट को लो एंड देन दिस डॉट बाइंडिंग इज इक्वल टू बाइंडिंग, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अडॉप्टर को बताना है कि ये वाला तुम्हारा व्यू होल्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इमेज अडॉप्टर को भी तो बताना है ना कि तुम अडॉप्टर को एक्सटेंड कर रही हो, अडॉप्टर की क्लास है। तो उसके लिए हम पहले करेंगे इसको रिसाइक्लर व्यू डॉट अडॉप्टर से एक्सटेंड और इसके अंदर हम इसे बता देंगे कि तुम्हारा व्यू होल्डर कौन सा है। इमेज अडॉप्टर के अंदर पड़ा है इमेज व्यू होल्डर, ठीक हो गया। उसके बाद Alt प्लस Enter दोबारा से करेंगे, इसके ऊपर कर्सर रख के तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इंप्लीमेंट मेथड्स का, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, बाइंड व्यू होल्डर, आइटम डॉट काउंट, इन तीनों को आपने ऐड कर देना है ओके पे क्लिक करके और यहाँ पर इस तरह से आपका कोड नज़र आएगा। सबसे पहले अब यहाँ पर हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर क्या होगा, वो सारे URLs होंगे, ठीक है, जो कि पिकासो की मदद से हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे उनके इमेजेस फेच करके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं इमेज URL लिस्ट, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। बेसिकली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन जनरेट पे जाएंगे, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके, इसका कंस्ट्रक्टर बन गया है।
और अब हमने इस यहाँ पर आना है. सबसे पहले तो ये गेट आइटम काउंट की जगह आप लिस्ट का साइज दे दें ताकि वो सारी जो भी उसके अंदर आइटम्स होंगे ठीक है. उसके बाद आप उसके बाद सबसे पहले ये गेट आइटम काउंट के अंदर आप लिस्ट का साइज यहाँ पर इसको रिटर्न करवा दें, जितने भी आइटम्स होंगे वो उसको डिस्प्ले करवा देगा ठीक है. तो इमेज यू आर एल लिस्ट डॉट साइज. और उसके बाद ये जो आइटम व्यू होल्डर है इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखना है, रिटर्न. यहाँ पर जब आप लिखेंगे न्यू तो आपने थोड़ा वेट करना है, ये पॉपअप अपीयर होगा और इसके अंदर इमेज व्यू होल्डर आपको नजर आएगा, वो उस पर आपने क्लिक करना है और इसको अब पास कर देना है इमेज आइटम बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट. और यहाँ पर आ जाएगा लेआउट डॉट इन्फ्लेटर फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट. और उसके बाद यहाँ पर आपने इसे पास करना है पेरेंट और फॉल्स ठीक हो गया. यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, इमेज व्यू होल्डर के अंदर हम किस चीज़ को बाइंड किया है, हमने इमेज आइटम बाइंडिंग ठीक है, जो हमारा इमेज आइटम हमने क्रिएट किया था उसके साथ बाइंडिंग आ गया, क्योंकि हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर बाइंडिंग को इनेबल किया हुआ. बाइंडिंग की मदद से हम लोग वो जो आर डॉट आई डी लगा के हम लोग उसको गेट करते थे व्यू को, वो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से गेट कर रहे हैं. उसके बाद इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर आ जाएगा ठीक है. पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट उसका दस आ जाएगा हमारे पास, एंड देन पेरेंट और उसके बाद फॉल्स अटैच टू पेरेंट ओके. और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बाइंड व्यू होल्डर के अंदर अपने पिकासो को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है. उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आते हैं एंड देन यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग गेट कर लेते हैं इमेज अडॉप्टर को और उसका वेरिएबल बना लेते हैं. और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट भी क्रिएट कर देते हैं ठीक है. लिस्ट है हमारे पास स्ट्रिंग्स की और यहाँ पर उसको नाम दे देते हैं इमेज यू आर सॉरी लिस्ट. और यहाँ पर उसको नाम देते हैं इमेज यू आर ओके. और उसके बाद अब हम लोग इसको यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं ठीक है. इमेज यू आर एल इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. और उसके बाद हमने क्या करना है, अडॉप्टर को इनिशियलाइज करना है इज इक्वल टू न्यू इमेज अडॉप्टर और उसको ये लिस्ट पास कर देनी है ठीक है. उसके बाद हमने रिसाइक्लर व्यू को गेट करना है तो वो हम गेट करेंगे बाइंडिंग डॉट रिसाइक्लर व्यू डॉट. हमने इसके अंदर लेआउट मैनेजर को सेट करना है, यहाँ पर हम लोग सेट करने वाले हैं ग्रिड लेआउट को. तो ग्रिड लेआउट मैनेजर और यहाँ पर इसको दो चीज़ें पास करनी है, एक तो हमने इसे कॉन्टेक्स्ट पास करना है जो कि दिस है और उसके बाद हमने इसे स्पैन काउंट दे देना है जो कि हम तीन आइटम्स अगर एक रो के अंदर शो करना चाह रहे हैं तो हमने तीन लिख देना है ठीक है. उसके बाद हमने क्या करना है, बाइंडिंग डॉट रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट अडॉप्टर डॉट सेट अडॉप्टर और यहाँ पर उस अडॉप्टर को सेट कर देना है रिसाइक्लर व्यू के अंदर ठीक है. बस इतना सा कोड था, सिंपल सा. नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम लोगों ने इस लिस्ट के अंदर यूआरएल्स को ऐड करना है. यूआरएल को जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो क्या करेगा पिकासो, इस यूआरएल को इंटरनेट से फच करेगा और जो हमने आइटम बनाया है, व्यू होल्डर बनाया है, उसके अंदर उसको डिस्प्ले करवा देगा ठीक हो गया. तो अब हमने क्या करना है, इंटरनेट पर सर्च कर लें आप pixel.com और यहाँ से इमेजेस के यूआरएल ले लें ठीक है. यहाँ पे आपने लिखना है इमेज यू आर एल्स डॉट एड और इसके अंदर डबल कोटेशन एंड देन आपका आ गया यू आर एल ठीक है. इसी प्रोसेस को आप रिपीट कर लें सेवरल टाइम्स. इस लिस्ट के अंदर मैंने तकरीबन 8 URLs को ऐड कर दिया है.
ठीक है, और अब हमारा जो कोड है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ हमने क्या करना है, इमेज अडॉप्टर के अंदर इस यूआरएल को अब बाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर टाइप करेंगे पिकासो डॉट गेट करो डॉट लोड। लोड कौन सा यूआरएल करना है वो हमें लिस्ट में से पता चलेगा, और लिस्ट में से हम लोग ने कैसे निकालना है, उसकी पोजीशन से निकालना है। तो इमेज यूआरएल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन एंड देन डॉट इनटू किसके अंदर लोड करवाना है, होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू। ठीक है, जो कि हम लोगों ने आइटम के अंदर बनाया था, और इस तरह से हो गया हमारा ये कंप्लीट। अब यहाँ पर एक और भी बात ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने ग्लाइड के अंदर प्लेस होल्डर का यूज़ किया था, एरर का यूज़ किया था, सेम आप लोग पिकासो के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर है प्लेस होल्डर, ठीक है, और उसके बाद डॉट एरर, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग इमेजेस को सेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आर डॉट आई डी डॉट ले लें, यहाँ से आप ड्राइवेबल के अंदर अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी है। ठीक है, सो अब इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं एंड सी व्हाट हैपेंस। सो यहाँ पर एक एरर आया है जो कि वो कह रहा है कि एंड्रॉइड आप लोग 33 वर्जन जो है वो इसका करंटली यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कर देते हैं 34। ओके, एसडीके को करना है टारगेट एसडीके, यहाँ पर आपने 34 सेट करना है। ओके, और उसके द्वारा दोबारा साइन पर क्लिक करें और अब करते हैं इस ऐप को दोबारा से रन। तो आपने देखा कि इमेजेस जो है वो सक्सेसफुली लोड हो गई हैं। ठीक है, और ये ग्रिड व्यू के अंदर हमें नज़र आ रहा है, पिकासो ने इनको यूआरएल की मदद से फेच करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ रिसाइक्लर व्यू। सो इन इमेजेस के लुक को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर आप स्केल टाइप ऐड कर दें विच इज़ सेंटर क्रॉप। ठीक है, और विड्थ हम कर देते हैं मैच पेरेंट, हाइट हम लोग 100 रहने देते हैं। ठीक है, और दोबारा से रन करते हैं और इस दफ़ा देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। सब ये बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने पिकासो की मदद से इमेजेस को रिसाइकल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है, या किस तरह से आप लोग पिकासो लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग ग्लाइड की मदद से इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने उसको रिसाइकल व्यू के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया था। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एक चैलेंज ये है कि आपने जिस तरह से हम लोगों ने पिकासो को यूज़ किया है रिसाइकलर व्यू के अंदर, आपने ग्लाइड को यूज़ करना है रिसाइकलर व्यू के अंदर। और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि कौन कौन इस प्रोसेस के अंदर कामयाब रहा। अगर आपको कोई एरर फेस करने को मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं, आई विल हेल्प यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड दिस, पुट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।